और पहला प्यार है। आइए चलते क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में, जहाँ पे आज का दूसरा मुकाबला होगा नीलेश स्पोर्ट्स जावले विरुद्ध सुनील स्पोर्ट्स चिंचपड़ा के बीच में। चिंचपड़ा टीम वॉन द टॉस एंड फील्डिंग। बोथ द टीम ऑल द बेस्ट, शो द गुड एंड क्वालिटी क्रिकेट। पहली इनिंग, पहली ओवर, पहली बॉल, बॉलिंग ट्रैक पर संकेत, अपील जोरदार है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कमेंट्री शांत रहे और अंपायर उस गेंद की आवाज को सुने। अपील की थी यहाँ पे विकेट कीपर ने, डॉट बॉल स्क्वायर कट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से। टीम जावले बैटिंग, वन सेकेंड डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी, एक गेंद को कट कर रहे जिस तरह से प्रसाद गरत, तो ऑफ साइड में खेलना चाहते, बीट हो रहे हर गेंद पर। अच्छी ओवर है, लाइन लेंथ बढ़िया है संकेत पाटिल की। सुनील स्पोर्ट्स चिंचपड़ा चषक 27 दिसंबर को शुरू होगा, 1 लाख की डे टूर्नामेंट। फुलटो से टैपिंग बॉल में खेला मिड ऑन पर, 3 बॉल पे 1 रन, कमाल की ओवर है ये, कंजूसी ओवर। टीम चिंचपड़ा संकेत पाटिल का ये संकेत मिला। पहले ओवर में बड़े स्ट्रोक आते हैं, प्रसाद गरत तो बड़े खिलाड़ी, लेकिन उनको बांध के रखा 3 बॉल में 1। प्रसाद गरत पीपीएल में ये कप्तान थे, मरुआई तिसाई गवान टीम के। चलिए पहला विकेट मिलेगा, 1 रन पे पहला ब्रेक थ्रू। खराब शुरुआत रही टीम जावले, बालक के हाथों में कैच और जावले टीम को लगा पहला झटका। हेलो, एन्जॉयमेंट करता है वाघिवली टीम चे लिजेंड प्लेयर कालराम भोयर, ये मात्र स्पर्धेला भरभरून शुभेच्छा देता है। त्याचबरोबर आत्ताच ज्यांचं शुभागमन झालं, बैलगाडा शर्यतींची विलक्षण आवड आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये तेवढेच अष्टपैलू खेळाडू म्हणून विशाल केने यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे। स्वागत आहे सर्व पाहुण्यांचं, स्वागत आहे सर्व प्रेक्षकांचं। ओवर टू कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कामयाबी चाहते हो तो काबिलियत को बढ़ाओ। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े इनाम होते हैं। देखिए किरण पवार ने मैन ऑफ द सीरीज में 4 व्हीलर कार जीती। पिछले 2 साल से मिस्टर RPL सुमित डोंगरे रहे। इसे काबिलियत कहते हैं, इसे फॉर्म कहते हैं। सागर 0 पे आउट हुए, इसके बाद नंबर 3 पे आएंगे मनीष कड़ू। पहले ओवर में गेंदबाजों की ताकत है, गेंदबाजों का दबदबा है और गेंदबाजों की दादागिरी। संकेत पाटिल कमाल की ओवर है आपकी, शानदार मुकाबला। जितना कठिन संघर्ष उतनी बड़ी जीत। पिछले मुकाबले में जासई के सचिन ठाकुर वन मैन शो, 37 की पारी खेली, सचिन ठाकुर मैन ऑफ द मैच बने। जासई का स्कोर 2 ओवर में 14 था, लेकिन पिछले 2 ओवर में उन्होंने 30 के ऊपर रन बनाए और 52 का टारगेट सेट किया। जासई को जीत मिली पहले मुकाबले में, यह दूसरा मुकाबला। एक और बॉल, फुल टॉस गेंद बैक टू द बॉलर, ये गेंद तो पाव पर लगी है, क्या ओवर है इनकी। फुल टॉस गेंद भी बाहर नहीं जा रही है, कमाल की ओवर संकेत। इस रफ्तार को अगर रडार गन मशीन से नापे तो ये 120 के ऊपर है। मनीष कड़ू, ये बॉल आपको वापस नहीं मिलने वाली फुल टॉस। एक ओवर में कम से कम 2 फुल टॉस बॉल कभी कभी आती है। संकेत कंजूसी ओवर, चलिए तालियां बजनी चाहिए, गोल्डन ओवर। 4 ओवर का मैच है, 1 ओवर 1, जावले टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पे।
बनते टूटने के लिए आपने देखा होगा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 बॉल पे 7 छक्के मारे। दुनिया के पहले बल्लेबाज बने ऋतुराज, 6 गेंद पे 7 छक्के उन्होंने वनडे क्रिकेट में मारे। और उसके बाद एक मुकाबला हुआ विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे 50 ओवर में तमिलनाडु टीम ने 506 रन बनाए और सीएसके टीम के बल्लेबाज एन जगदीशन ने 277 रन बनाए। वनडे का रिकॉर्ड था इंग्लैंड टीम के नाम 498 2022 में नेदरलैंड के खिलाफ, लेकिन अब वो रिकॉर्ड वनडे का तमिलनाडु टीम के नाम है 50 ओवर में 506 रन। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं और मैंने अभी कहा कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। बॉलिंग ट्रैक पर दीपेश केनी, भाया उर्फ भाई, इनकी पहली बॉल डीप में स्क्वायर लेग पर बॉल जाएगी, मिलेगा 1 रन। जावली टीम का स्कोर बहुत छोटा है लेकिन प्रसाद गरत जब तक मैदान में है ना तब तक बड़ा टारगेट बन सकता है। प्रसाद गरत ग्रामीण तालुका ओपन, महाराष्ट्र ओपन, ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे नॉन स्ट्राइक गेंद पर है प्रसाद और उनके सामने बल्लेबाज है मनीष कडू। मनीष कडू लेफ्टी, भावेश पवार को आपने देखा लेफ्टी, युवराज सिंह को देखा, एडम गिलकिस, लेफ्टी खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होते हैं। आप क्रिस गेल को देखिए, आईपीएल सिक्सर किंग, ये भी लेफ्टी। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप वाइट बॉल, गणेश बाविस्कर सर मैन फ्रॉम घाटकोपर अंपायर, और दूसरे अंपायर हमारे हेमंत कोहली माउल गांव, इनका भी स्वागत करेंगे। एक्स्ट्रा रन चाहिए टीम जावले, 3 रन 1 विकेट। बल्ले के सामने थी गेंद, अलोंग द कारपेट ग्राउंड शॉट खेला रोशन बाला के हाथों पे, गेंद थोड़े फंबल हुए लेकिन प्रसाद अपने खाते में स्ट्राइक चाहते हैं। प्रसाद जानते हैं कि एक ओवर में सिर्फ 2 बने थे हमारे, प्रसाद ने 3 बॉल पे 1 बनाए थे, अब प्रसाद को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। 24 गेंद यानी छोटी ओवर की मैच है, छोटी इनिंग है, ऐसे में अगर आप ज्यादा डॉट गेंद खेलोगे मुकाबला जल्दी समाप्त होगा और प्रसाद चाहते हैं कि ज्यादा गेंद खेले। 4 रन 1 विकेट लो स्कोर अभी बना है दीपेश केनी भाई। चलिए 6 नंबर का गियर गगन चुंबी आउट ऑफ द स्टेडियम वाइड लॉग ऑन के ऊपर से बिग हिट चक्का। जावले टीम ये मास्टर कार्ड हर एटीएम में इस्तेमाल होता है। प्रसाद घरत कूल कैप्टन, पहला छक्का तो आया इनके बल्ले से, चलिए दूसरा भी आ गया वाइड लॉन्ग ऑन। बाला गेंद को देखते रहे और गेंद निकल गई खिलाड़ी के ऊपर से, खिलाड़ी बने दर्शक, बिग हिट बिग स्ट्रोक 6 रन। ट्रेडमार्क प्रसाद घरत का 6 बॉल 14 की पारी, टीम का टोटल है 16, 1 विकेट टीम जावले। मैदान तब तक ना छोड़ना जब तक आप मुकाबला जीत नहीं जाते। चलिए फुल टॉस गेंद, लोवर थी लेकिन डीप में बॉल स्क्वायर रे में कैच की कोशिश नहीं हुई, तब तक प्रसाद को मौका मिला स्ट्राइक रोटेट करने का, 2 रन चुराने का। फुल टॉस गेंद ऐसा लगा ये भी बाहर जाएगी लेकिन टाइमिंग थोड़ा खराब रहा, 2 मिलेंगे टीम जावले को, स्कोर आएगा 18, 1 विकेट। मनीष कडू 3 बॉल में 1, प्रसाद ने 7 गेंद पे 16, अब रन बहुत अच्छी बने। पिछले मुकाबले में यही हुआ था, 2 ओवर में जासे के 14 रन थे लेकिन देखिए यहाँ पे 18 टीम जावले। टैपिंग बॉल खेला ऑफ साइड में, अंतिम बॉल पे 1 रन ले गए क्योंकि अब ओवर चेंज हो गए और स्ट्राइक रोटेट होगी, 2 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त हो गया और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम अप नीलेश इलेवन जावले टीम का स्कोर है यहाँ पर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच प्रवीण, जावले संघ मैदानावर खेळतोय, शेळगर गावचे बालकृष्ण भगत साहेब हे देखील त्या संघाला शुभेच्छा देताना आपल्याला नक्कीच स्क्रीनवर आपल्या घर बसल्या मॅच पाहत आहेत।
शुभेच्छा देत आहेत त्यांच्या शुभेच्छा आपण स्वीकारूया. आर्या स्पोर्ट्स ओले आयोजित उपसरपंच चषक 2022 हे आयोजन खूप छान स्पर्धा आहे, खूप चांगलं आयोजन आहे. म्हणून त्यांनी आम्हाला लगेच प्रसार माध्यमातून कॉन्टॅक्ट करून सांगितलं की या स्पर्धेमध्ये आज आपण पाहतोय की या परिसरामध्ये एक मानाची स्पर्धा रुपेश गायकवाड यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधलं आणि या स्पर्धेची सुरुवात झाली. आणि विद्यमान उपसरपंच रवींद्र दापोलकर हे मात्र ओलेगावचे जसे उपसरपंच या पदावर विराजित झाले आणि या स्पर्धेचा नाव देखील उपसरपंच चषक. रुपेश दादा गायकवाड, सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे, सोनेरी किरणाचे सोनारे दिवस आणि सोनेरी दिवसात सोन्यासारख्या व्यक्तिमत्वाला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. रुपेश दादा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. बॅक टू मॅच, 2 ओव्हर 19, 1 विकेट. प्रसाद घरतने 1 रन लिया अंतिम बॉल पे, स्ट्राइक चाहिए थी उसका. ये नतीजा, लॉन्ग लेग पर बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम, 1 बाउंस ओवर द रोप, कैप्टन कूल, कूल 4 रन. रहने से कभी मत डरो क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है, कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं. कबूतर की तरह झुंड में मत उड़ो, अकेला उड़ो बाज की तरह. और ये बाज की तरह ऊंची उड़ान भरी प्रसाद घरत ने. 10 बॉल पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 रनों का, टीम का टोटल है 27. बिल्कुल प्रवीण, जो प्रसाद घरत बल्लेबाज है वो मारता कम और भगाता ज्यादा है. बहुत सारे ऐसे मैदान है वहां पे उसके रिकॉर्ड है. ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी रिवॉल सर और बड़ा खेल कर रहा है इस मैदान पे. 1 रन मिलेगा ओवर नंबर 3 लेके. बॉलर थे यहाँ पे प्रणय केनी. प्रणय केनी ने यहाँ पर 2 गेंद पे 2 चौके दिए शुरुआत में, उसके बाद सिंगल आया. टीम का टोटल है 28. एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जिसके पास वेरिएशन होता है. आपको पता होना चाहिए लेग कटर बॉल, ऑफ कटर बॉल, आप लेग ब्रेक कब करोगे, ऑफ ब्रेक, यॉर्कर, स्लोवर बॉल, तेज बॉल, ओवर पिच, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, ये गेंदे आपके पास होने चाहिए. यानी उंगलियों की जादू उसे क्रिकेट में कहा जाता है एक अच्छे गेंदबाज बनने के लिए. अगर वो गेंदबाजी आपके पास होगी प्रणय केनी तो मजा आएगा. धुंधरे के प्रसन्न पाटिल हमेशा उंगलियों की जादू दिखाते. चलिए वेरिएशन दिखाए इस बार. अंदर की तरफ गेंद निकली, लेफ्टी बैट्समैन मनीष कड़ू बीट हुए. एक और डॉट बॉल, प्रसाद घरत ने स्ट्राइक छोड़ी उसके बाद डॉट गेंदे आई. अब ये गेंदबाज को फायदा उठाना चाहिए इस बल्लेबाज के खिलाफ. 28 पे 1-2 गेंद बची है. प्रणय कमबैक करते हुए 2 चौकों के बाद उनकी ये डॉट बॉल बता रही है अच्छी ओवर. ऊपर लगी है डीप एक्स्ट्रा का वो पॉइंट, 1 रन, 5 गेंदे, 4 ओवर, 24 गेंद का मैच है. फाइनल डे, रुपेश दादा का जन्मदिन सेलिब्रेशन भी होगा इस प्रतियोगिता के द्वारा. पहले दिन था लेकिन 3 दिन मनाएंगे जन्मदिन, क्योंकि 3 दिन टूर्नामेंट है, 3 दिन हो गया अनाउंसमेंट. रुपेश दादा के लिए प्यार हमेशा मिलेगा यहाँ से. 29 पे 1 अंतिम बॉल, प्रसाद 11 बॉल 26. प्रसाद क्या करेंगे, क्या सिंगल लेंगे या बड़ा स्ट्रोक मारेंगे, क्योंकि अब ओवर समाप्त होगी. सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा उनके खिलाफ होंगे. बाला ये मंकी विकेट करना चाहते थे. जॉस बटलर को आउट किया था रविचंद्र अश्विन ने. कल तोंडरे के मैदान पे ऐसे मंकी विकेट देखने मिले थे सोवेली के खिलाड़ी. राउंड विकेट, ऊपर लगी बॉल, 1 रन लेंगे क्योंकि अब अंतिम ओवर ये समाप्त हो गया. ओवर तीसरी
तीन ओवर का खेल समाप्त है और तीन ओवर के बाद नीलेश स्पोर्ट्स जावली टीम का स्कोर 10 के 100 से महज 30 एक विकेट के नुकसान पर। चलते स्वागत कक्ष में फिर से एक बार रिवॉल्व मात्रे सर के पास। प्रवीण नक्कीच आपण ज्या पद्धतीनं पाहतो या स्पर्धेला सकाळच्या सत्रापासून सुरुवात झाली, बरेच लाईव्ह प्रेक्षक जोडले जात आहेत, घरबसल्या प्रेक्षक एन्जॉय, कोणी ऑफिसमध्ये आहेत आपल्या स्मार्ट मोबाईलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहत आहेत। जावळे संघ मैदानावर खेळतोय अजय कडू आणि चेतन गरत, बिग सपोर्टर जावळे संघाचे, हे देखील शुभेच्छा देत आहेत। अगदी अरुणजी गोपाल गरत माजी सरपंच जावळे, हे देखील घरून आपल्या कुटुंबासोबत आपल्या मुलांचा हा क्रिकेट सामना पाहत आहेत, सर्वांचं आपण स्वागत करूया। दुसऱ्या बाजूला चिंचपाडा संघ म्हटलं तर चिंचपाडा आमचे राजा केणी चाचू, एक लिजेंड प्लेयर, हे देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत। विनोददादा केणी असतील, ही सारी मंडळी निवृत्ती केणी, अनेक जी मंडळी आहेत, ही सारं मात्र या मॅचचा आनंद घेताना शुभेच्छा देत आहेत आपल्या या स्पर्धेला। तो बहुत ही जल्दी स्वर्गीय चंद्रकांत काशीनाथ केनी, स्वर्गीय सदानंद दामोदर पाटी स्मृति चषक 2022 सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा के द्वारा चिंचपाड़ा के मैदान पर 1 लाख की डे प्रतियोगिता होगी 27, 28, 29 दिसंबर यानी आने वाले अगले वीक में यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाईसाइकिल मुख्य आयोजक होंगे रोशन पाटिल, अमोल केनी और दिनेश गायकवाड़। बैक टू मैच, अंतिम ओवर है, 6 बॉल 30 रन, क्या आएंगे इस ओवर में 20, क्या लगेगा 50 का आंकड़ा प्रसाद की ओर से। टॉप एज है, बैट कट, यहां पे मिलेगी डॉट बॉल, शानदार ओवर। ये 6 बॉल डेथ ओवर के होते, स्लॉग ओवर के, इसमें बड़े स्ट्रोक आते, लेकिन ये गेंदबाज शायद जादू गेंदबाज करते हुए सतीश अंतिम ओवर। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये बॉल डीप लॉन्ग ऑफ पर, कमाल की फील्डिंग, वेरी गुड फील्डिंग, एंड ऑफ द मूवमेंट में गेंद को रोका, फील्डिंग डिपार्टमेंट बेस्ट है चिंचपाड़ा टीम। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, ये खासियत है प्रणय केनी की, क्या छलांग लगाई और कैसे ये इस गेंद को रोका, जबरदस्त ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग प्रणय केनी। 100% कमिटमेंट, क्योंकि फाइनल डे के मुकाबले आप खेल रहे हो और यहाँ पे प्रसाद गरत अगर आपके खिलाफ है तो यहाँ पे आपको बड़े रन रोकने होंगे। 32 पे 1 सतीश, मिस टाइमिंग है, प्रसाद नाराज है क्योंकि बल्ले पे गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं लग रही, एक और सिंगल मिलेगा। मनीष कडू का कॉन्फिडेंस डाउन है, मनीष कडू को मौका मिला लेकिन 3 बॉल, एक कॉन्फिडेंस हाई करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके पास हो तो शायद आपको कोई हरा नहीं सकता। हिंद विरुद्ध सम्राट बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, अगर वो आपके पास होगा ना तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। मैंने अभी कहा कि मैदान में हारोगे तो वापस जीतोगे, लेकिन मन से हारोगे तो कभी नहीं जीतोगे। 33 पे 1 3 बॉल बची है, प्रसाद 15 गेंद 30, प्रसाद ने 98% रन बनाए मुकाबले में, टीम के 33 प्रसाद की 30, सतीश की है बॉल। मिस टाइमिंग शॉट, कप्तान बाला के हाथों पर यह गेंद, रोशन पाटिल पिछले साल 9 अर्धशतक इन्होंने लगाए, इनकी बल्लेबाजी देखने मिलेगी। दूसरा झटका लगा टीम नीले स्पोर्ट्स जावले को। तुझ्याकडे जरा चार बॉल का खेल समाप्त है, राहुल गरत उतरे मैदान में, एक और लेफ्टी, 2 बॉल बची है अभी, टीम जावले 33 रन, अगर इस पे 12 आते हैं तो आपका स्कोर 45 तक लास्ट बनेगा, बढ़िया मुकाबला, ये रन 50 के नीचे रुक के जाएंगे। सतीश फॉर्म में, इन फॉर्म बॉलर, टॉप एज, अगर क्या चाहती है तो डॉट बॉल आएगी, लेकिन प्रसाद नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे क्योंकि आईसीसी का नियम है कैच के बाद स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, नया बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पे और प्रसाद नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक के लिए तड़पते हुए रिवॉल्व। हेलो प्रवीण, ये बिल्कुल बहुत बिग विकेट है, राहुल गरत
राहुल घरत या फलंदाजाचा विचार केला ना तर एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ओळखला जातो आणि हा जो गोलंदाज आहे तो नौखा गोलंदाज आहे नवोदित गोलंदाज आहे परंतु कामगिरी काय जबरदस्त पाहायला मिळते आपल्या कारकिर्दीमधला पहिला षटक आहे जर त्याची ही क्रिकेटची सुरुवात तुम्हाला आवडली असेल ना तर या गोलंदाजासाठी नक्कीच टाळ्या व्हाव्यात व्हेरी गुड फील्ड व्हेरी गुड बॉलिंग जबरदस्त गोलंदाजी रिवॉल्व सर इस गेंदबाज ने 5 बॉल में 3 रन दिए 2 विकेट बहुत बढ़िया ओवर ये कंजूसी ओवर है ये रन कम क्यों है क्योंकि प्रसाद को भी इन्होंने सिंगल डबल दिए पिछले 2 गेंद पर शानदार अंतिम बॉल टारगेट सेट बॉल इस पे होगा टारगेट सेट टीम जावलेगा ऑन साइड पे गेंद निकल गई मिड ऑफ पर थोड़े से फंबल हुए मिसफील्डिंग रन आउट का मौका बनेगा गेंदबाज प्रसाद रन आउट 1 रन मिलेगा अंतिम बॉल पे नीलेश पोर्ट जावले टीम का स्कोर है 34 लेकिन 37 कंजूसी ओवर रिवॉल्व सर नया गेंदबाज लॉन्च किया लेकिन पैसा वसूल ओवर है इनकी अगदी अगदी रास्त आहे प्रवीण काय गोलंदाजी कोणत्याही प्रकारचा प्रेशर नव्हता आणि तो देखील डेथ ओवर स्लॉग ओवर फेकलाय मिडल ओवर नाहीये एखाद्या नवीन गोलंदाजाला अशी गोलंदाजी देणं कठीण परंतु त्या गोलंदाजाचं कौतुक करेन जबरदस्त गोलंदाजी सतीश कौतुकास्पद गोलंदाजी पाहायला मिळते याच दरम्यान आमचे प्रशांत मुंगाजी साथी समालोचक हिंदी समालोचक प्रवीण फक्त आमच्या घरच्या मैदानावर कॉमेंट्री करतो कधी बाहेर परंतु कॉमेंट्री जबरदस्त यस प्रशांत आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत फर्स्ट इनिंग समाप्त हुई स्कोर है 34 विकेट है 4 ओवर है 4 टारगेट है 35 का यहाँ पे टीम सुनील स्पोर्ट्स चेंज पड़ा को 24 गेंदों पे लो स्कोरिंग का मैच है लेकिन प्रवीण गायकर सर छोटा टारगेट कभी छोटा नहीं होता क्रिकेट में अगर बल्लेबाज ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो ये टारगेट बड़ा बनेगा आइए चलते दूसरे सत्र में माइक्रोफोन पर आएंगे हिंदी मराठी की मुलुक मैदानी तोफ रॉक स्टार कॉमेंटेटर द वॉइस ऑफ रायगढ़ प्रवीण गायकर सर ओवर टू डीजे यह प्रवीण अगर इस मैदान का अब सोचा जाए तो इस मैदान के ऊपर पूरा जनवरी और दिसंबर महीना में कुंभ मेला लगने वाला है हमारे इधर की जो जो गांव है वहाँ प्रत्येक गांव वाला यहाँ पे मैच रखने वाला मतलब अभी शुरू होने वाला है वाघिवलीवाड़ा बाद में वर्चौले ओला प्रीमियर लीग JWR ट्रॉफी कोपरगाव अर्थातच सर्व गावांच्या या ट्रॉफीज या मैदानावर होणार आहेत प्रवीण कुंभमेळा लागणार आहे ते या साखळी मैदानावर त्यानंतर रोशन गायकवाड आमचे ते देखील विचार करतायत की ओ गाव कप ठेवायचा आहे म्हणजे कदाचित त्या देखील मॅचेस होतील
तारीख बुकिंग करावी लागेल या मैदानावर सुसज्ज मैदान पाहायला मिळतोय आणि खरं तर अनेक प्रेक्षकांची देखील तेवढीच गर्दी या मैदानावर. सर्व प्रेक्षकांचं आपण स्वागत करूया कारण मॅच जसा सुरू होईल आपण ऐकाल प्रवीणला, परंतु लो स्कोरिंगचा मॅच कधी कधी हायबिट्स देखील होत असतात. परंतु पाहूया एकटा प्रसाद गरज 24 धावा कुठल्यात, मात्र बाकी फलंदाजांनी निराशा केली तरी देखील गोलंदाज इथे पूर्णपणे चांगली कामगिरी करतील का पाहूया ऐकूया उत्तरार्धामध्ये. तर फलंदाज मात्र ऑन स्ट्राईक बाला, पहिलाच बॉल इथे मात्र बालाने इरादे स्पष्ट केलेत. पहिल्याच बॉल वर हिट शॉट, 6 धावांसाठी षटकार. धन्यवाद डीजे. कई कारणों से शायद राहुल का फोन था, पलस पे टीम के राहुल बैकर यूट्यूब के वजह आवाज नहीं आता, इसके लिए वो करेक्शन था. तो थैंक यू 24/7. बिल्कुल चलते शुरुआत काफी धमाकेदार, कहते कि उल्टी टोपी वाला मैदान में आया चिंसपाड़ा टीम का बाला और शुरुआत काफी धमाकेदार. ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड का अक्षय कुमार है, बाला बाला बाला. और ये कमाल का बल्लेबाज है, बाला के बल्ले से ये पहला ही दमदार छक्का. गेंदबाज तैयार होंगे, ये फुल टॉस बॉल सिर्फ दिशा दी इस गेंद को, अंपायर के बिल्कुल बीच में से बगल में से निकाला, स्क्वायर लेग का शॉर्ट, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन. युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची, आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमी वरती अवतरली. धन्यवाद डीजे. देखिए धमाकेदार शुरुआत जिस तरीके से प्रसाद गरत ने दूसरे ओवर में की थी, इस वक्त मनीष कड़ू के पहले ओवर में शुरुआत, बाला के बल्ले से पहला छक्का, उसके बाद आया चौका, 10 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. यह भी अच्छा शॉट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए 35 रन बनाने हैं और इस 35 रनों का पीछा करते हुए पहले ही तीन गेंदों के ऊपर विस्फोटक बल्लेबाजी, 14 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर. कमाल की शुरुआत नजर आती हुई, नामचिन बल्लेबाज है बाला, जिस तरीके से शुरुआती बल्लेबाजी के लिए पिछले 2 साल का अगर इतिहास देखेंगे रिवॉल्व मात्रे सर, तो बिल्कुल 13 से अधिक अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर, सामने बल्लेबाज प्रसाद गरत के नाम के ऊपर बहुत सारे अर्धशतक, दोनों भी ताकतवर टीमें हैं. लेकिन रायगढ़ के भूषण चकड़ेश्वर, आतिश पाटिल भी इस टीम में बिल्कुल विकेट कीपर की काफी अच्छी भूमिका निभाते हुए और काफी अच्छा कमाल का क्रिकेट देखने को मिला. 14 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 35 रनों का लक्ष्य है. तो गेंदबाज तैयार, इस बार टप्पा पीछे रखा था, उछालता इस गेंद के ऊपर और अपर कट खेलना चाहते थे, गति थोड़ी सी कम थी. क्या कमाल का कैच पकड़ा फर्स्ट स्लिप में पंकज गरत के द्वारा और यह पहला करारा झटका सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा टीम को. गंगा जी के बारे में बिल्कुल सही जिक्र किया, उनका वो कॉमेंट्री का फ्लो है ना, मैंने पहले उसके साथ कॉमेंट्री की थी, लगभग 5 साल हुए होंगे ना प्रशांत, इसी मैदान के ऊपर आर्या की नाइट टूर्नामेंट में, उनका बोलने का फ्लो है ना वो कमाल का है, वो रिदम बेहतरीन रहते लेकिन वो बाहर नहीं जाते, ये बहुत दुख की बात होती है. शायद इस साल वो शुरुआत करने वाले हैं रिवॉल्व, मेरे ख्याल से रिवॉल्व मात्रे सर अभी से ही मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में वो अपना कुंडवाल से वो चालू करना बहुत जरूरी होगा, बेहतरीन कॉमेंटेटर की भूमिका निभाते. इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी होती हुई, पहले 3 गेंदों के ऊपर काफी सारी मार मिली, 14 रन बने, प्रति ओवर की बात करेंगे 8.75 के औसत से, यानी कि 9.25 की रिक्वायर्ड रन रेट से इस रनों को बनाना है. शुरुआत काफी अच्छी हुई है, 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा टीम. नए बल्लेबाज संकेत पाटिल, बड़े हिट के लिए यह भी खिलाड़ी जाना जाता है. पावर प्ले की अंतिम गेंद, इस बार टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा, इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, पहला पावर पे हुआ समाप्त और पहले पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा विनर्स बनाम विनर्स, यानी कि पहला मुकाबला स्वर्गीय मेघनाथ दादा प्रतिष्ठान विक्टर रकुमाई जासई और इनमें से जो जीतेगी उनके खिलाफ तुरंत नेक्स्ट मुकाबला खेला जाएगा. Yeah, yeah, yeah.
तो देखिए रिवाल मात्रे सर इसी मैदान के ऊपर जब चिंसपाड़ा खेल रही थी नाइट टूर्नामेंट, बातान और इनके बीच ही सुपर एट का मुकाबला खेला गया था। बाला के पास तो कोई भी खिलाड़ी नहीं था कि जो सीरीज के लिए जा सके, इतने रन बनाए थे बाला ने, लेकिन एक में चार चाहिए थे, छक्का धागा भातान टीम के बल्लेबाज ने, और भातान टीम रिवाल मात्रे सर आगे निकली और मात्र बाला की वो सीरीज अधूरी रह गई। वैसे ही विचुंबे के मैदान में भी बाला के आसपास कोई नहीं था दो मुकाबले में। नो बॉल का इशारा अंपायर का बिल्कुल आ चुका है, रिव्यू लिया है, तो चलिए तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे, बिमर के लिए रिव्यू चेक करना चाहती है। और उसके बाद विचुंबे के मैदान के ऊपर भी है ना रिवॉल्व सर, आइए आप चेक करिए तीसरे अंपायर कमिटी मेंबर्स, तब भी कोई सामने नहीं था बाला के, लेकिन वहां पर भी सेमीफाइनल में हारी, सुपर एट में हारी और बाला का अस्तित्व भी समाप्त हुआ। तो डीएक्स मैदान में शायद वेस्ट हाइट के लिए रेफर किया गया है। तो तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका, इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिवॉल मात्रे सर और कमिटी मेंबर्स समाधान ये तीसरे अंपायर की भूमिका निभाते हुए। तो बिल्कुल ना रन बनेगा मेरे ख्याल से, एक एक की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 गेंदे, 20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तेज रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी गेंदबाज पंकज गरत। जावले टीम की बात करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मैच का आनंद लेते हुए चेतन उनका स्वागत करेंगे, अरुण शेट गरत उनका भी हम स्वागत करेंगे, विजय शेट उनका भी स्वागत करेंगे जो बेहतरीन क्रिकेट के लिए योगदान देते हैं। इस बार भी अच्छी गेंद पूरी तरीके से जड़ में डाला था, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, रन नहीं दे पा रहे। जिस तरीके से पहले ओवर फेंका था उसी तरह का ये ओवर निश्चित तौर पर फेंकते हुए मेरे ख्याल से गेंदबाज पंकज गरत सटीक लाइन से गेंदबाजी का मारा, बांध कर रखा है अभी तक, पूरी तरीके से दबाव में खेल रही है। विजय शेट गरत भी मैच का आनंद लेते हुए, अजय कड़ू उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। स्कोर अभी भी रुका हुआ, टोटल 3 गेंदे फेंकी है, सिर्फ 1 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने, यानी कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जब अटैक पे आए थोड़ी सी परेशानी नजर आती हुई। इस बार भी इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, डॉट बॉल की समाप्ति, रिवॉल मात्र सर लो स्कोर का मैच है, ऐसा लग रहा है कि 35 रन निकालने के लिए बाला आउट हुए, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। और बल्लेबाजी का विश्लेषण संकेत का आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 गेंदे लगातार डॉट के लिए इस खिलाड़ी ने, 14 गेंदे बची है, 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये शॉट बड़ा है, हवाई यात्रा तो जरूर की है लेकिन फील्डर डाउन द ग्राउंड,
रिले कैच, क्या कमाल का ये कैच पकड़ा है। ये अक्सर आपको बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथी खिलाड़ी, क्या कमाल का वो रिले कैच पकड़ा। खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से संदेश और प्रसाद के द्वारा ये कैच पकड़ा। और इसी के साथ ये दूसरा झटका सुनील स्पोर्ट्स सिंसपाड़ा टीम को। लोक हौसेन जमतन सारी न बगाया क्रिकेट की दुनिया न्यारी। लोक हौसेन तो बिल्कुल आज के लॉट का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, फ्रेश मैच होगा। बैरोनाथ 11 विचुंबे, विपक्ष गावदी भी उसरली, तो वो भी कप्तानों से हम यूट्यूब के माध्यम से अगर आप मैच को देख रहे हो तो आपको भी समय के साथ आना है। इसके बाद विनर्स विनर्स के मुकाबले होंगे, इनमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी। पहला मुकाबला जीता है शानदार तरीके से जासई टीम ने, उनके खिलाफ खेलेगी। और अंतिम मुकाबला पहले दौर का ढौलेपाड़ा विपक्ष बेलौली के बीच अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। तो फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन करते हुए जावले टीम के कप्तान जो शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी थे उनको मिड ऑफ में लाया गया, और जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ में थे उसे डीप कवर पॉइंट की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट की तरफ रखा गया है। कमाल का ओवर, सिर्फ इस ओवर की बात करेंगे, एक ही रन आया, एक विकेट। वापसी होती हुई नीलेश कड़ू 11 जावले टीम की, गेंदे बची है 12, जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। थैंक यू डीजे। चलिए टीम मीटिंग नहीं है, समय नहीं है, आज तो जितना हो सके जल्दी कर सके। जावली टीम के कप्तान प्रमोद कड़ू से हम गुजारिश करते हैं कि आप तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना कीजिए। अगर चार ओवर समाप्त होने के लिए आपको 20 मिनट से अधिक समय लगता है और अंपायर ये गौर करते हैं तो शायद आपको जो फील्डिंग में है पनिशमेंट वो मिल जाएगी। 5 की जगह 4 फील्डर आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखने होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिए। 5 टीमों को इस टूर्नामेंट में पेनल्टी मिली है, हो सके वो किसी टीम को ना मिले। इसी के साथ समय के लिए आप बिल्कुल गौर करें, समय की ध्यान को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से समय का पालन करना है। तो ऋतिक कड़ू नई गेंदबाज, 12 गेंदों में चाहिए 20 रन, 18 गेंदों में चाहिए थे टोटल 21, सिर्फ 1 रन दिया। इस बार भी लाजवाब गेंद, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। डीएक्स यानी कि दिनेश गायकवाड़ बैक टू द पवेलियन। घोट की नाइट प्रतियोगिता में क्वालिफाई हो चुकी है और इस सीजन की पहली ट्रॉफी नाइट के अपने घर पर लेकर आएगी। डॉट बॉल की समाप्ति, पिछली गेंदे आप देख सकते हैं ना, 8 गेंदे फेंकी है गेंदबाजों ने, 8 नहीं बल्कि टोटल ये 3 भी पहले ओवर के पकड़ेंगे ना, तो 11 गेंदे और ये मिलके 12 गेंदों में सिर्फ रन आ चुके हैं 1 और विकेट गवाई है टोटल 3। खराब परफॉर्मेंस भाई अभी भी है मैदान में, उम्मीदें रहेगी लेकिन बल्लेबाज की किसी अपेक्षा है जो साथ दे सके। और लगता हुआ ये चौथा करारा झटका सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम को। अब समीकरण बदलता हुआ 9 गेंदे 20 की आवश्यकता। पर पूरी तरीके से तमखम दिखाते हुए स्वर्गीय नीलेश कड़ू 11 जावले टीम, कमाल का गेंदबाजी का परफॉर्मेंस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 9 गेंदे 20 की आवश्यकता। शॉट पिच लाइन की बॉल आती है, बड़ा शॉट खेला है, जरूरत थी एक बड़े शॉट की। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद,
सीमा रेखा पार 4 रन। एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है और इसी 4 रनों के मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची 8 और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। देखिए ना प्रवीण ना रिवल मात्रे सर प्रशांत, एक चौके ने पूरी तरीके से दबाव था वो कम कर दिया सुनील स्पोर्ट्स इंस्पाड़ा टीम का। ये लाइन खराब है, लाइन खराब है, प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, चौका आने के बाद थोड़ा सा मानसिक दड़पण जरूर डाला है और बिल्कुल 1 रन अतिरिक्त मिलेगा 1 रनों के मदद से। टीम का स्कोर है 20 रन, जीतने के लिए अब 8 गेंदें बची है, 15 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। कभी बाजी चिंसपाड़ा की तरफ तो कभी जावली टीम की तरफ। यह लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर थोड़े से दूर रहे इस कैच से, वरना और एक विकेट जा सकता था। भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज आतिश पाटिल को, रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21 रन, 7 गेंदें बची है, जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। प्रति गेंद की बात करेंगे तो बिल्कुल प्रति गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 गेंदें 14 की दूरी, अंतिम गेंद, गेंदबाज तैयार। स्लो की थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, चलिए सिंगल भी आया, स्ट्राइक रहेगी अब भाई केनी के पास। अपेक्षा है अभी भी चिंसपाड़ा 11 टीम को, 22 का इशारा अंपायर का, लेग 22 का, तो बिल्कुल 1 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 22 रन, जीतने के लिए 6 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। सूरज उतना ही मुकाबला गर्माहट पैदा करने वाला, सोचा था यह मुकाबला 2 या 3 ओवर में फिनिश हो जाएगा, लेकिन जावली टीम के गेंदबाजों ने तारीफ काबिल गेंदबाजी, लेकिन हार नहीं मानी अभी तक सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा टीम ने। भाई केनी मैदान में है गेंदबाजी के मार्ग पर, साहिल नाइक की पहली गेंद लोअर फील्ड टॉस थी, ऑन साइड में अलोंग द कार्पेट, लॉन्ग ऑन में गेंद को फेंका है, डीप लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को कप्तान उठाए, माफ कीजिएगा प्रसाद थे, उठाएंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रन, जीतने के लिए अब समीकरण बदलता हुआ, 5 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। आतिश पाटिल स्ट्राइक एंड पर, ये लीजिए स्लोपर गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही और थोड़ी सी शायद हाथ से गेंद चिटकी थी, इसकी वजह से यह प्रयास किया था, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। अगर ये हाथ में गेंद आती, यही अंपायर दर्शाते हुए, गेंद ना छूटती तो स्ट्राइक नहीं दी जाती, गेंद छिटकी थी शायद इसके वजह से प्रयास किया भाई ने और लगभग रनआउट के तौर पर आतिश को लौटना पड़ेगा। अंतिम 4 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। टीम 4 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। किसने सोचा था बाला की इतनी तूफानी बल्लेबाजी पहले 3 गेंदों में देखने को मिली और उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर विकेट गिरा, कोई रन नहीं है। क्या यहां से भाई के ने अपना बल्ला गोलेगा, फुल टॉस बॉल, गेंद को फेंका जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर जरूर थे, कैच नहीं लपक पाए, कैच छोड़ा है, मुकाबला छोड़ा है, गेंद सीमा पर आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। का स्ट्रोक धागा है बल्लेबाज भाई केनी ने, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज साहिल, ये भी हाफ ट्रैकर की बॉल, इस पर दबा फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बैट्समैन होंगे भाई आउट, मुकाबले में और एक वापसी होती हुई, 2 गेंदें बची है, 6 रनों की जरूरत।
प्रवीण भाई ने जर हा मैच जिंकून दिला असताना तर विशाल केणी यांच्याकडून तब्बल 2000 बक्षीस दिला असता, परंतु ऐन वेळी भाईची मात्र इथे विकेट जाते संघ अडचणीत. सुवर्ण संधी होती भाईसाठी, परंतु खूप छान झेल टिपला. चलिए नहीं बल्लेबाज रिवाल मात्र सर आप देख सकते हैं सुमित पाटिल बल्लेबाजी के लिए. बॉडी से सोता ऐसा लगता है कि वर्चुअली टीम के ये रोहित है मैदान में, क्योंकि उन्होंने कारनामा किया था नाइट टूर्नामेंट में. क्या वो कारनामा कर पाएंगे? लेकिन सामने भी साहिल नाइक क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए. अंतिम दो गेंदे, 6 रनों की जरूरत. शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में खेला. आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अच्छी फील्डिंग. 1 रन तो कम, 2 रन तो कंप्लीट. अब एक बॉल में चाहिए 4 रनों की जरूरत. देखिए रिवाल मात्र जरा इससे रफ एंड टफ अगर मुकाबले होते हैं ना, तो बिल्कुल इस मुकाबले में काफी जबरदस्त मजा आता है दर्शकों को. और क्या जबरदस्त फाइट इस मैदान के ऊपर चलती हुई. एक गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत. क्या बड़ा छक्का आएगा, क्या डॉट बॉल आएगी. मुकाबला पसंद आए तो जोरदार तालियां दोस्तों. एक गेंद, 4 रनों की जरूरत. फुल टॉस गेंद, इस गेंद को फेंक दिया सीमा पर. निर्णायक जीत हासिल की इस लंबे कद के बल्लेबाज ने सुमित के बल्ले से मैक्सिमम हिट. क्या कमाल का स्ट्रोक दागा है कप्तान सुमित ने. आणि प्रवीण सुमित साठी 1000 रुपयाचं बक्षीस विशाल केणी यांच्याकडनं मॅच जिंकून दिल्याबद्दल. फिनिश द गेम. 1000 रुपयाचं बक्षीस विशाल केणी, आमचे चीफ गेस्ट पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि हा मॅच जिंकून सहज दिलाय. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये प्रवीण टेंबे यांच्याकडं. थँक्यू सो मच. आपण पहिले टॉस करूया, कारण आपला मॅच सुरू करायची आहे. फायनल डे. सुमित कॅप्टन नाणेफेकीसाठी आला होता आणि टॉस जरी त्यावेळी जिंकला आणि त्यानंतर त्याने मारलेला हा दणदणीत षटकार.